हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं गणेश चौहान और हमारे साथ सीनियर फैकल्टी डॉक्टर पीएल सैनी। हम लोग आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इन सब चीजों की स्टडी करेंगे। और ये जो हमारा एपिसोड है, जो कि सीएलसी के प्लेटफॉर्म से रिलीज हो रहा है, ये 54/90 यानी कि 54 वाला एपिसोड है, जिसमें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट से मतलब है कि एंजियोस्पर्म, और उसके बाद में इसके हम लोग चार लेक्चर और लेकर आएंगे, चार एपिसोड और हैं, जिसमें हम पूरी एम्ब्रियोलॉजी को डिटेल में स्टडी करेंगे। मीन्स इससे रिलेटेड सारे जो क्वेश्चन है, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, उनकी हम स्टडी करेंगे। तो डॉक्टर साहब, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से हमको सही कथन का सिलेक्शन करना है। तो आप देखें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, है ना? बिल्कुल सही। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन तो होता ही नहीं। बिल्कुल, तो फ्यूजन की कोई बात हम कर ही नहीं पाए, कर ही नहीं पाएंगे। तो ये इट इज करेक्ट स्टेटमेंट, इट इज करेक्ट, है ना? अच्छा, इसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिवर्सली यूनिपेरेंटल प्रोसेस, ये एनिमल्स के रेफरेंस में थोड़ा सा सटीक नहीं बैठेगा। एनिमल्स में मेल और फीमेल अलग भी हो सकते हैं, इसने कहा यूनिवर्सली यूनिपेरेंटल प्रोसेस। So, अच्छा, जैसे कुछ सर एलबी भी है, जहाँ पर यूनिपेरेंटल, जैसे यूलोथ्रिक्स है, बिल्कुल नहीं, एनिमल्स में भी लेकिन यूनिवर्सली ऐसा कभी नहीं होगा, है ना? तो इसलिए ये यूनिवर्सल जो टर्म है, उसकी वजह से ये सेंटेंस हमारा करेक्ट नहीं होगा, मीन्स ये रॉन्ग हो जाता है। अब जो थर्ड स्टेटमेंट है, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशंस अकर which help in evolution, मतलब it is also wrong, क्योंकि asexual reproduction में crossing over तो होता ही नहीं है, means meiosis के जरिए gamete का formation नहीं होता है। तो यहाँ पर कोई भी possibility इस चीज की नहीं है कि वहाँ पर variation की process हमें देखने को मिले। variation की process के लिए sexual reproduction का होना जरूरी है। तो इसका मतलब है इसमें जो है new character का addition नहीं हो पाएगा, parents की identical form बनती है, क्योंकि मियोसिस में होने से बनने वाली जो सेल्स है या जो प्रोजेनीज है, उनके अंदर न्यू कैरेक्टर का एडिशन नहीं होता, इसलिए इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मतलब उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। सो इट इज द रॉन्ग स्टेप, रॉन्ग स्टेप, यस। अब है अडैप्टेबिलिटी टू एनवायरनमेंट क्रिएट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा चाहे जो पेरेंटल जो फीचर्स है वही ओवोस्पर्म में पहुंचेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर भी किसी नई प्रोजेनी की पॉसिबिलिटीज नहीं है, नए कैरेक्टर ऐड नहीं होंगे, तो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस डेवलप होने की कोई संभावना नहीं। तो इसका मतलब है कि ये रॉन्ग हो जाता है। इसका मतलब है आंसर फोर्थ इज करेक्ट, फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाता है, है ना? तो इरेजर से कर सकते हैं, है ना? तो डॉक्टर साहब, एक बार अपन चाहते हैं कि एक पहला क्वेश्चन तो चलो हमने ले लिया, तो लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ एसेक्सुअल और सेक्सुअल की थोड़ी सी रिप्रोडक्शन की बात हो, है ना? तो हम इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो जैसे हम डाइवर्सिटी में जाते हैं, तो सर वहां पर व्हाट आर लिविंग्स की बात करी गई। जी बिल्कुल, तो वहां पर ये बात कही गई है कि लिविंग्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच एक्सप्रेस इटसेल्फ विद देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट बाय वेरियस एक्टिविटी लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। तो वहां पर भी रिप्रोडक्शन की बात करी गई। जी बिल्कुल, है ना? तो इसका मतलब है कि लिविंग का रिप्रोडक्शन जो करेक्टर है वो एक्चुअली तरीके से एक नेसेसरी माना गया है। ये बात अलग है कि कुछ ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं भी करते हैं। जी, तो इसीलिए एनसीईआरटी की डाइवर्सिटी वाले हिस्से में
रिप्रोडक्शन इज नॉट इंक्लूडेड एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग्स, मतलब लिविंग्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसिडर नहीं की गई है, लेकिन इट इज नेसेसरी इवेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर लाइफ साइकिल, फॉर देयर लाइफ साइकिल। अब ये रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म करते ही क्यों है? तो रिप्रोडक्शन करने के पीछे वजह ये है कि वो अपने ही जैसे सिमिलर ऑर्गेनिज्म को बनाना चाहते हैं, जिससे उन उस टाइप की जो स्पीसीज है उसकी नेचर में एग्जिस्टेंस बनी रहे। दूसरा, जो एनिमल डेथ के जरिए लॉस हो जाते हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करने के लिए भी रिप्रोडक्शन की नेचर में जरूरत होती है। अब ये रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो सकता है, एक है एसेक्सुअल और एक है सेक्सुअल। ये बात अलग है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का भी कंसेप्ट होता है तो वो एसेक्सुअल में ही कहीं ना कहीं कंसिडर होता है। जी बिल्कुल, ठीक है। अब यहां पर जो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, एंजियोस्पर्म अपन कंसिडर कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो जो ये जो टाइप है एक्चुअली ये दो तरीके से माना गया है बेसिकली, जो ज्यादातर हम फॉर्मेट में स्टडी करेंगे वो है एसेक्सुअल, और दूसरा यहां पर कंसिडर किया जा रहा है सेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसमें हम क्या देख रहे हैं, हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है ये कहीं ना कहीं यूनिपेरेंटल होता है। वास्तविकता में ये है कि जो लोअर प्लांट्स हैं उनमें ज्यादातर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है, लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन की प्रोसेस आगे की तरफ बढ़ती है वहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज बढ़ती है। एक्चुअली प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते ही क्यों डॉक्टर साहब, क्योंकि मेरे हिसाब से उन्हें नए एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्टेशन देने के लिए, उनको अपना इवोल्यूशन करने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट सही है। एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, वेरियस टाइप ऑफ एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस को टॉलरेट करने की कैपेबिलिटी प्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। मतलब दीज आर जस्ट लाइक, जैसे ड्रॉट रेजिस्टेंस, वीडिसाइड रेजिस्टेंस, ये ऐसी जो अडेप्टेबिलिटी है ये डेवलप हो जाती है थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम पर एनसीईआरटी में कई प्रोसेस आपको दी गई हैं, जैसे कॉनिडिया फॉर्मेशन है, जैसे यहाँ पर बर्ड फॉर्मेशन है, जैसे गैम्यूल फॉर्मेशन है ना, तो ये सब चीजों की बात करेंगे। इसके बाद में एंजियोस्पर्म के रेस्पेक्ट में यहाँ पर रनर, सकर, ऑफसेट, इन सब चीजों की भी बात करी गई है। जी बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। और इसके बाद में यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रेस्पेक्ट में बात करी गई है वो डिफरेंट यहाँ पर कंसिडर किए गए हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन की भी बात करी गई है, जैसे यहाँ पर मार्केशिया में बात करी है सर, तो मार्केशिया में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसकी बात करी गई है। इसके बाद में कारा की एनसीईआरटी ने बात करी है, जो हमारे अगले क्वेश्चन में भी आएगा, जहां पर जेमिन और यहां पर जी मतलब न्यूक्लियल और ग्लोब्यूल की बात करी गई है जी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहां पर फ्लावर की भी बात करी गई है ना। तो इस तरीके से हम देखें तो जो एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एक्चुअली क्या है, वो अपना फ्लावर, ठीक है। तो फ्लावर में जो अपने एंथ्रिडियम है और वो जो स्टेमेंस है और जो कार्पल है वो उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसीडर किए गए है ना जी। तो इस तरीके से सारी जो स्टडी है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पर वो ज्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है, और इस तरीके से हम लोग इस सारी स्टडी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना सर। तो अब यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन है जिसमें अच्छा कंसेप्ट है, ये कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी से रिलेटेड भी है। तो सर, देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया और अमीबा के अंदर एक प्राकृतिक जो डेथ होती है वो हमें देखने को नहीं मिलती। सर, इसकी मेन वजह
रियल में मतलब मल्टी सेलुलर बॉडी है उसकी कुछ सेल्स ही रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है, रिमेनिंग बॉडी जो है एक टाइम के बाद में जो है उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक सिंगल सेल कंप्लीट बॉडी को मतलब रिप्रेजेंट करेगी। अब यदि ये रिप्रोडक्शन करती है तो थ्रू बाइनरी फिशन इट फॉर्म टू सेल्स एंड बोथ डॉटर सेल्स एक्ट एज ए न्यू इंडिविजुअल। सो यहाँ पे लेफ्ट पार्ट कुछ नहीं है, पीछे बचा कुछ नहीं है जिसकी डेथ हो सके। बिल्कुल, तो आप लोग ये कह सकते हैं कि उनकी टोटल जो पेरेंटल बॉडी है सिंगल सेल्ड है, और सिंगल सेल्ड होने के साथ साथ क्या होता है थ्रू बाइनरी फिशन डिवाइड हुई तो दो न्यू ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो गए। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मैनी सेल्स प्रेजेंट होती है, आई मीन जो है ना कुछ सेल्स वेजिटेटिव होती हैं, कुछ जनरेटिव होती हैं, और रिप्रोडक्शन ओनली जनरेटिव के थ्रू होता है। तो सोमेटिक सेल्स की समय के बाद जो है एक्टिविटी स्लो होने के बाद डेथ हो जाती है। बिल्कुल, मतलब अपन इसे मान सकते हैं कि जैसे एक अमीबा है कहीं ना कहीं, ठीक है, तो अमीबा अगर फिजन करता है तो ये दो अमीबा में सीधे सीधे कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो इसमें कोई भी जो पार्ट है वो रिमेनिंग नहीं रहेगा, यही कहना चाह रहे हैं। तो मीन्स यहाँ पर एक अमीबा जो पेरेंटल बॉडी है वो कहीं ना कहीं दो डॉटर में कन्वर्ट हो गया, अगर इसमें कोई पार्ट बचा भी नहीं, पीछे बचा भी, तो दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं है कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिसेलुलर कहीं है सब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे अपना पैरामीशियम है वो कॉन्जुगेशन की प्रोसेस के जरिए रिप्रोड्यूस करता है। दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय द बाइनरी फिजन, ये भी जरूरी है, ऐसा भी नहीं है, वो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो दे आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, ये भी तो हो सकता है माइक्रोस्कोपिक, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। बिल्कुल, है ना। तो पेरेंटल बॉडीज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑफस्प्रिंग, मतलब ये जो डायग्राम है ये भी कहीं ना कहीं इस पोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि पूरी की पूरी पेरेंटल बॉडी है वो डॉटर सेल में कन्वर्ट होगी न्यू इंडिविजुअल्स में, न्यू इंडिविजुअल्स में, यानी कि जो पेरेंट है उसका कोई रिमेनिंग पार्ट है ही नहीं, तो वो तो सीधे सीधे ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो गया। तो अल्टीमेटली इसका जो आंसर फोर्थ फोर्थ आंसर क्लियर बन गया जी। तो ये अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये अपनी एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टडी करेंगे, ये है सेल डिवीजन इटसेल्फ इज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। डॉक्टर साहब ये अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जी, रिप्रोडक्शन वाले हिस्से में जी, जहां अपन व्हाट आर लिविंग्स में स्टडी करते हैं वहां पर लिखा है जी। तो वहां पर कहा गया है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो एक्चुअली जब डिवीजन करते हैं तो उनके नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज हो गए उसके साथ, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी इंक्रीज हो गए, है ना। तो वहां पर एक्चुअली कहा गया है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एज ए सिनोनिम टर्म्स, दोनों ही सिनोनिम्स के फॉर्म में माने गए हैं। तो अल्टीमेटली अब हम देख सकते हैं कि सेल डिवीजन इटसेल्फ इन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, तो वो यूनिसेलुलर के प्रोटिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये क्वेश्चन प्रोटिस्ट के बारे में बात कर रहा है जहां पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक दूसरे के साइनोनिम। हां, तो इसमें सर ये बैक्टीरिया भी कंसीडर हो जाएगा। बिल्कुल होगा, अमीबा और बैक्टीरिया यूनिसेलुलर की बात हो रही है ना। हां, अमीबा एंड बैक्टीरिया, हां एक्चुअली बात तो इसी की जी। अगर अपन पेंचलिंग और क्लेमाइडोमोनास की बात करें तो चलो ये तो यूनिसेलुलर है, बट लेकिन ये मल्टीसेलुलर है तो ये कंसीडर इसमें नहीं होगा, है ना। कारा मल्टीसेलुलर है, पेंचलिंग मल्टीसेलुलर, ये भी इसमें नहीं आएगा। एस्पर्जिलस मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर फंगस हो गई, बट अमीबा इज यूनिसेलुलर, अमीबा इज यूनिसेलुलर। तो अपना राइट आंसर मेरे ख्याल से फर्स्ट, ये फर्स्ट बेहतरीन ऑप्शन बनता है, ये भी एनसीईआरटी बेस स्टडी है ना सर जी। ओके, नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग टर्म, इनको ये मेरे लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक्चुअली बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन भी की जा सकती हैं। जैसे कहा गया है कि फ्लोरेसेंट हार्मोन, दूसरा है जीन रेगुलेशन, तीसरा है फोटोपीरियडिज्म, और फिर कहा गया है कि अबव टर्म रिलेट विद द फॉलोइंग प्रोसेस, ये जो चार प्रोसेस दी गई है इनसे इनमें से ये जो चारों चीजें तीन जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये किससे रिलेट कर रहे हैं। अब पहला है वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, तो डॉक्टर साहब वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए फ्लोरिजन रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, बिकॉज फ्लोरिजन
हार्मोन इज ए हाइपोथेटिकल हार्मोन बट इट रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग इन प्लांट्स. सो वेजिटेटिव ग्रोथ में फ्लावरिंग कंसिडर नहीं करेंगे. वेजिटेटिव ग्रोथ मीन्स ग्रोथ इन रूट स्टेम लीफ ईटीसी. बिल्कुल. सो फर्स्ट नहीं जा पाए. हाँ. अब लीफ फॉर्मेशन इन प्लांट्स इट इज ऑल्सो वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट. वेजिटेटिव पार्ट तो ये भी लगभग फर्स्ट और सेकेंड दोनों एक ही जैसे हो जाते हैं. तो इसमें हमारा वो डॉक्टर साहब ने जैसे बोला कि फ्लोरेसेंट हार्मोन इसमें कंसिडर नहीं होगा. पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज इसमें भी डेवलपमेंट होता है. मोस्टली एबीए का रोल होता है, फ्लोरेसेंट का कोई रोल नहीं. अच्छा. इसमें जैसे सीड फॉर्मेशन होगी तो ओवरी में क्या होता है, आई मीन ओव्यूल्स में एबीए का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा और सीड की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रिड्यूस होती चली जाएंगी और फाइनली वो एक डोरमेंट सीड में कन्वर्ट हो जाएगा. बिल्कुल. अब ये जो थर्ड ऑप्शन है फ्लावर फॉर्मेशन इन प्लांट्स. जी, फ्लावर फॉर्मेशन ये हमारे लिए राइट आंसर हो जाएगा. देखिएगा फोटोपीरियोडिज्म लाइट ड्यूरेशन जो है वो क्या करती है, इस हार्मोन की फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल शॉर्ट डे लॉन्ग डे में अकॉर्डिंग टू प्लांट टाइप ऑफ प्लांट. फोटोपीरियोडिक इफेक्ट है, फोटोपीरियोडिक इफेक्ट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग. सो दे सिंथेसाइज फ्लोरेसेंट हार्मोन. तो बोथ फोटोपीरियोडिज्म एंड फ्लोरेसेंट हार्मोन. उसके बाद आप जानते हैं कि किसी भी प्लांट की एक्टिविटी जो होंगी, चाहे वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हो रही हो चाहे जनरेटिव ग्रोथ, दीज आर रेगुलेटेड बाय जीन रेगुलेशन. सो थर्ड आंसर इज करेक्ट. डॉक्टर साहब यहाँ पर एक में एक अच्छा पॉइंट ये भी है. हाँ. कि जैसे अपने जीनोम प्रोजेक्ट में एक प्लांट के जो जीनोम पढ़े गए हैं उसमें एक अरेबिडोप्सिस नाम है. बिल्कुल. और एक राइस नाम जीनोम प्रोजेक्ट में. हाँ जी. तो वहां पर ये बात कही जाती है कि फ्लावर फॉर्मेशन इन अरेबिडोप्सिस थालियाना इज कंट्रोल्ड बाय 26,000 जीन. जी. तो वहां एक बात ये भी बात आती है. हाँ. तो अरेबिडोप्सिस थालियाना का जो जीनोम प्रोजेक्ट स्टडी हो चुका है उसमें 26,000 जीन कंट्रोल करती है. तो उससे ये बात अपनी जस्टिफाई हो जाती है. बिल्कुल. कि उन जीन्स के लिए हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं होमियोसिलेक्टर जीन. हाँ. एप्टेला अगेमस इस टाइप के जीन्स होते हैं जो फ्लावर की फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल. रेस्पॉन्सिबल जी, है ना. तो ये अपना राइट आंसर बन जाता है. तो डॉक्टर साहब ने ये बात कही है, फिर से एक बार समझ लो कि चूंकि आपके फर्स्ट और सेकंड जो ये जो ऑप्शन है उसमें आपका फ्लोरेसेंट कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा. ये जीन और फोटोपीरियोडिज्म का रोल हो सकता है डॉक्टर साहब. जी. लेकिन आपके जो फ्लावर फॉर्मेशन इन प्लांट्स की बात हो रही है उसमें तीनों चीजों का यूज होगा. एक पर्टिकुलर फोटोपीरियोडिज्म के बाद में आप जानते हो कि लीफ में फ्लोरेसेंट बनता है, वो फ्लोरेसेंट स्टेम में ट्रांसफर होता है और ट्रांसफर स्टेम में होने के बाद में फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है. जी बिल्कुल. है ना. और फिर बाकी प्रोसेस जो है वो जीन और ये सब चीजें कंट्रोल कर देंगे, है ना सर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते. तो एक्चुअली यहां पर रेगुलर ऑफ फ्लावर उसी क्वेश्चन से रिलेटेड हमने ये भी आपको एक चीज दिखा रखी है. तो यहाँ एक एक चीज और एक्सप्लेन हो जाती है. इंसाइड ने लिख रखा है कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनके अंदर जो उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन है वो सब फ्लावरिंग है. जी बिल्कुल. और वहां पर एक बात और कही गई है, ये मॉर्फोलॉजी वाले हिस्से में भी कही गई है कि ये एक्चुअली सूट का मॉडिफिकेशन. जी बिल्कुल. फ्लावर इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ सूट. तो कहा जाता है कि जो इसके कहीं ना कहीं नोड इंटरनोड रीजन होते हैं, ये नोड इंटरनोड्स ठीक है, तो इन पर जो लीव्स की पोजिशन है वही लीव कहीं ना कहीं फ्लोरल पार्ट्स में कन्वर्ट होती हैं तब, जबकि एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है सर. जी. है ना. जी बिल्कुल. तो ये कहा जाता है कि जो ये अपन देख रहे हैं ये तो कहलाते हैं इसके नोड रीजन, ठीक है, और ये जो बीच में पार्ट है वो है इंटर नोड. नोड क्लियर. अब कहा जाता है कि नोड और इंटर नोड दोनों कंडेंस होके कहीं ना कहीं इस रेसेप्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं. मीन्स नोड और इंटर नोड इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एक थैलेमस लाइक स्ट्रक्चर बनता है. और फिर जो लीव वाले पॉइंट्स हैं एटलीस्ट जहां पर एपिकल मेरिस्टेम है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्लोरल मेरिस्टेम में सर. तो मेरे हिसाब से जो एनसीईआरटी कहना चाहती है वो यही है, क्योंकि ये तो एक प्लांट का सूट पार्ट है ये, और ये इसका फ्लावर है. इसका मतलब है कि जो
नोड इंटरनोड है, उसने थैलेमस का फॉर्मेशन किया। अब इसमें जो नोड्स हैं वो यहीं पर मौजूद हैं। अब जो यहाँ पर नोड से लीव्स बनने वाले थे, अब यहाँ पर फ्लोरल पार्ट्स बन जाएंगे, इसके जो जिसके कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम और गायनेशियम है, सब फॉर्मेशन हो जाए। तो इसकी एक्सप्लेनेशन दी, दरअसल फोटोपीरियोडिक इफेक्ट जो होंगे वो लीफ रिसीव करेंगे और उसके थ्रू क्या होता है, यहाँ पे फ्लोरिजन की फॉर्मेशन होती है। फ्लोरिजन क्या करता है, इस वाले पार्ट में ट्रांसफर होने के बाद और उन जीन्स को एक्टिवेट कर देता है जिनको अभी हमने बात कही थी, होमियोसिलेक्ट्रिसिटी। उन जीन के एक्टिवेशन से इन लीव्स का मॉडिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है और शूट कंप्रेस हो जाता है। इस कंप्रेस्ड पार्ट के लिए हमने वर्ड यूज किया फ्लावर। सो आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट वॉल ऑफ लीफ इज मॉडिफाइड इन टू कैलिक्स, सेकेंड इन कोरोला, थर्ड इन एंड्रोसियम एंड फोर्थ इन गायनोश। बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड द बिहेवियर एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो एक रेगुलेट रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस से मतलब वही फ्लावर फॉर्मेशन और जो रिप्रोडक्शन की जो एक्टिविटीज है वो। तो मेरे हिसाब से इसमें अपन हार्मोनल तो कंसिडर करेंगे, करेंगे है ना, तो ये तो होना ही होना है। इसके बाद में एनवायरमेंटल फैक्टर, यस, क्योंकि फोटोपीरियोडिज्म भी इसमें कंसिडर हो जाए। जी, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सीजनल ब्रीडर होते हैं। हाँ। तो एनवायरमेंटल फैक्टर ही तो उसमें इन्वॉल्व होंगे। बिल्कुल। मोस्टली वाइल्ड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो रेनी सीजन में रिप्रोडक्शन मतलब करते हैं, तो उनमें एनवायरमेंटल फैक्टर, हाई मॉइस्चर, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सारी चीजें वो उसको। इसके अलावा आपने देखा होगा कि रेनी सीजन में इंसेक्ट जो है ना उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। उसका रीजन यही है कि वो टाइम उनका रिप्रोडक्टिव फेज होता है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर आल्सो अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। बिल्कुल सर। तो मेरे हिसाब से अपना ये फोर्थ आंसर राइट बन जाता है, एनवायरमेंटल फैक्टर प्लस हार्मोन। इवन इसमें इंटरनल फैक्टर में हार्मोन कंसिडर होता है, तो इंटरनल फैक्टर में जीन भी आ जाएगा। अगर यहाँ जीन भी होता तो ऐसी कंडीशन फॉर ऑल ऑफ दीज आंसर आपके लिए बन जाता। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रहे कि ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअली ये एक कंसेप्ट है। एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपके दो या चार क्वेश्चन और भी बन जाते हैं। तो आप ऐसे ना समझें कि ये 40 क्वेश्चन है या 50 क्वेश्चन है। एक्चुअली वास्तव में देखा जाए तो ये आप हर क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो उतना कंसेप्ट आपके पास पहुंचना चाहिए। अच्छा, तभी इसकी सही मायने में बेनिफिट है। डॉक्टर साहब के जो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, कि आप एक क्वेश्चन के साथ में कम से कम एक या दो क्वेश्चन एडिशन इसमें समझने की कोशिश करें, तभी मेरे ख्याल से बेनिफिट है इस चीज का, है ना सर। तो आंसर लाइफ स्पैन पे थोड़ा सा बताइएगा बच्चों को। जैसे लाइफ स्पैन अपने जूलॉजी में कंसिडर होता है, अपने एनसीईआरटी के जो फर्स्ट लेसन है इसमें लाइफ स्पान की बात करी गई है। मीन्स एक ऑर्गेनिज्म जब से बर्थ होती है और जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती है, तब तक तो डिफरेंट फेजेस को, जुवेनाइल और एडल्ट फेज को कंप्लीट करता है, है ना? अब हम लोग इस क्वेश्चन में यदि लाइफ स्पान को ऐड करें तो आंसर, तो मेरे विचार से लाइफ स्पान जो है वो रिप्रोडक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा। एक ऑर्गेनिज्म है, उसका लाइफ स्पान मान लीजिए फ्यू वीक है, तो भी वो रिप्रोडक्शन करेगा। और यदि एक ऑर्गेनिज्म है उसका लाइफ स्पान 100 लोग, तो वो भी रिप्रोडक्शन करेगा। सो ये वाला पार्ट जो है वो रिप्रोडक्शन को अफेक्ट नहीं कर सकता। सही है, तो अपना फोर्थ आंसर बन जाता है। ओके सर जी, थैंक यू। तो ये सिक्स क्वेश्चन है और यहां पर लिखा है द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एंड गैमेट्स इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन रेस्पेक्टिवली, है ना। तो यहाँ एक्चुअली डबल फर्टिलाइजेशन का भी कंसेप्ट है। तो अपन जैसे ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं तो कहीं ना कहीं अपन एक बार एम्ब्रियो सेल को बना लें। जैसे यहाँ पर एक एग सेल का कंसेप्ट है, सिनर्जिट का कंसेप्ट है, ये दो सिनर्जिट सेल है, ये एग सेल है, और यहाँ पर अपना सेकेंडरी न्यूक्लिया है ना सर जी। और ये कहीं ना कहीं ये पोलन ट्यूब का कंसेप्ट है और इसमें दो मेल गैमेट है जी, इस तरीके से। तो अब आप देखें कि यहाँ पर न्यूक्लियस की बात करी जा रही है, तो न्यूक्लियस कितने इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर, है ना, और कितने गैमेट इन्वॉल्व होंगे। तो गैमेट तो ये दो जो है जो पोलन ट्यूब के अंदर है, एक्चुअली ये सर टू मेल गैमेट है,
है ना, बिल्कुल। तो ये दो मेल गैमेट हो जाएगा एक, और गैमेट के नाम पर अपन बात करें तो एक ये एग भी एक गैमेट कंसिडर होगा, है ना, तो ये भी फीमेल गैमेट हो गया। तो गैमेट एक्चुअली टू मेल गैमेट डबल फर्टिलाइजेशन में एंगेज होंगे प्लस एक एग जो कि फीमेल गैमेट गैमेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इन्वॉल्व होगा जी। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर हो सकते हैं फर्स्ट, थर्ड एंड सेकेंड, क्योंकि इसमें गैमेट लास्ट में तीन तीन आ रहे हैं। लेकिन अब बात आती है न्यूक्लियस की जी, तो टोटल न्यूक्लियस इसमें टोटल न्यूक्लियस फाइव, बिल्कुल फाइव है ना, वन टू ये थ्री ये फोर एंड ये फाइव, फाइव है ना, क्योंकि सिनर्जिट ने तो इसमें पार्टिसिपेट किया नहीं है जी, क्योंकि सिनर्जिट तो कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन में हेल्प करने का काम करती है, बिल्कुल है ना, ये तो यहाँ पर केमिकल बनाएगी और केमिकल की प्रेजेंस में जो ये वोलेटाइल गैस का अट्रैक्शन होगा मींस केमियोट्रोपिज्म मूवमेंट करती हुई वोलेटाइल एग की ओर एंटर होगी, है ना। तो अपना राइट आंसर सर फाइव एंड थ्री, ये भी एक कंसेप्चुअल अच्छा क्वेश्चन है, इस पर संभावित क्वेश्चन कई बन सकते हैं, तो इसलिए इसको आपको रखा गया। ओके सर जी, सेवेंथ क्वेश्चन है, पोलन टैबलेट एंड सिरप्स आर न्यूट्रिएंट न्यूट्रिटियस एंड यूज्ड बाय, ये सर अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना। दरअसल पोलन ग्रेन्स दे कंटेन क्वालिटेटिव फूड, क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वांटिटी तो बहुत ही मतलब माइन्यूट सी होती है, ठीक है, लो क्वांटिटी है बट क्वालिटेटिव फूड होता है और वो हाई एनर्जी यील्ड करता है, इसलिए जो है इसको हम लोग किसके लिए यूज कर सकते हैं, पोलन टैबलेट्स फॉर्म की जाती और पोलन टैबलेट्स आर हाई एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। अब किसके लिए यूज होता है तो जरा से इसकी बात करते हैं। वैसे सर ये है कि जैसे कहा जाता है कि जब पोलन पिशल इंटरेक्शन होता है जी, जी, प्रोडक्शन के टाइम पर, तो जो इनिशियल रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो पोलन ग्रेन सेल प्रोवाइड करता है, बिल्कुल वही देता है। उसके बाद में जो पोलन ट्यूब जब स्टिग्मा में एंटर हो जाती है फिर जरूर उसका फीमेल पार्ट उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है, लेकिन तो इसीलिए पोलन ग्रेन ने नेचुरल फॉर्म में अपने लिए न्यूट्रिशन वहां पर कंटेन करके रखा है। अब वो चूंकि सर ने बोला कि वो एक बेहतरीन क्वालिटी का होता है, क्वांटिटी से ज्यादा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन वो क्वालिटी इतनी बेहतर होती है कि हम पोलन जो ग्रेन्स होते हैं कई प्लांट्स के, कहा जाता है यूरोपियन कंट्रीज के जो लोग हैं वो इनसे टैबलेट और सिरप्स बनाते हैं, जिससे कि एथलीट्स और रेस हॉर्सेस का जो परफॉर्मेंस है सर वो इनहेंस होता है, ऐसा इनसे आगे लिख रखा है ना। तो इसलिए यहाँ पर अपना फर्स्ट आंसर है और वो एनसीईआरटी बेस्ड है, तो ज्यादा कोई इसमें इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन मोर देन 60% एनजीओस फ्रॉम प्लांट पोलन ग्रेन्स आर सेल इन, मीन्स यहाँ पर सर कहा जा रहा है कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है जी वहां से वो कितनी सेल स्टेज पर इजेक्ट होता है माइक्रोस्पोर जी, है ना, माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन के फॉर्म में वो मैच्योर फॉर्म में। तो एनसीईआरटी ने क्लियर कट कह रखा है कि 60% प्लांट रिलीज देयर पोलन ग्रेन एट टू सेल स्टेज व्हाइल द रिमेन रिलीज एट थ्री सेल स्टेज, तो ऐसी कंडीशन में हमारे लिए फर्स्ट आंसर सीधा सीधा बन जाता है जी, है ना सर जी, तो सही है। और तो क्या है इसके अंदर, अब इसमें लिखा है ये सर पॉलीगोनम की बात करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन, लेकिन जबरदस्त क्वेश्चन है बिल्कुल। ये अपन देखते हैं कि जैसे एनसीईआरटी ने सर यूज कर रखा है मोनोस्पोरिक सब जी, है ना, मोनोस्पोरिक मतलब इन्होंने कहा है कि जो कहीं ना कहीं इस तरीके से एक ओव्यूल होता है, इस ओव्यूल के अंदर जो न्यूशिलस होते हैं उस न्यूशिलस में यहाँ पर कोई एक मेगास्पोर मदर सेल की तरह वर्क करता है। अब इसमें जब मियोसिस होता है तो यहाँ पर फोर हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बन जाते हैं जी, है ना सर। अब इसमें से कहा जाता है कि आउट ऑफ देम थ्री मेगास्पोर टुवर्ड्स द चेलेसर टुवर्ड्स द माइक्रोपायलर एंड आर डीजन, बिल्कुल, व्हाइल द रिमेन फंक्शनल मेगास्पोर
इज प्रेजेंस टुवर्ड्स द चेलेशियल एंड ऑफ ओव्यू, है ना सर? जो आंसर ने आपको दूसरा क्वेश्चन और साथ साथ बता दिया, उन्होंने ये बताया कि जैसे हम मोनोस्पोरिक की बात करते हैं तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच सेल एक्ट एज फंक्शनल मेगास्पोर, तो उसका आंसर आता है टुवर्ड्स चले चले चले। हाँ, तो इसमें कई क्वेश्चन और बताया आपको, समझ सकते हो, है ना? तो ये जो है ये एक स्पोर है, ये एक एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो जाए और एम्ब्रियो सैक जो बनेगा उसमें वो सेवन सेल हो गए, इसलिए कंडीशन होगी यहाँ पर इस तरीके से, ये आपका सेंट्रल सेल हो जाएगा, ये एंटीपोडल सेल हो जाएगा, है ना सर जी? और ये कहीं ना कहीं इसकी सेंट्रल सेल बनती हुई हमको नजर आएगी जी जी, है ना जी? तो ये सेंट्रल सेल हो गई, अब ये अपना कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम ये एम्ब्रियो सेल जी, मतलब अब ये एम्ब्रियो सेल बन गया। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पॉलीगोनम शब्द क्यों खास हो रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी ने मोनोस्पोरिक शब्द यूज कर रखा है। अब इस डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं डॉक्टर अपन मोनोस्पोरिक कह सकते हैं। अब ये मोनोस्पोरिक, अब मोनोस्पोरिक जो डेवलपमेंट स्टडी किया जाता है वो पॉलीगोनम प्लांट में ही किया जाता है, स्टडी किया जाता है, स्ट्रासबर्गर ने किया था इसको फर्स्ट टाइम पॉलीगोनम स्टडी, सो इसको नेम दिया हमने पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेल, एम्ब्रियो सेल, इसलिए खास हो जाता है। डॉक्टर साहब वैसे दो और अपन डेवलपमेंट पढ़े हायर क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर मोनोस्पोरिक पूछा जाएगा तो बाई और टेट्रा जरूर पूछा जाएगा, तो बाइस्पोरिक एलियम में और टेट्रास्पोरिक एडोक्सा जो एक प्लांट है उसमें स्टडी किया जाता है, तो जब भी मोनोस्पोरिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो संभावित ये चीज है कि वो पॉलीगोनम भी आपसे पूछ ले। तो अब बात आती है कि पॉलीगोनम प्लांट के भ्रूणकोश में कितने अगुणित कोशिकाएं पाई जाती हैं सर? तो सारी की सारी सेल्स जो है वो हैप्लोइड, ऑल सेल्स आर हैप्लोइड, थ्री सेल सेट आपको टॉर्ट्स चेलेशियल एंड मिलेगा, इसके लिए हमने आप वर्ड यूज किया एग अपरेटस, तो थ्री सेल्स और टॉर्ट्स चेलेशियल एंड थ्री एंटीपोडल्स, तो सिक्स सेल हो गई, और ये सिंगल एक कंबा मतलब इट इज बाइन्यूक्लियर सेल बट सिंगल सेल, सो टोटल सेल आर सेवन, सेवन होती हैं। लेकिन यहाँ पर सर ये जब फर्टिलाइजेशन होता है तो टू एन भी हो जाता है, इसलिए यहाँ ऑप्शन में आपको ऐसा कुछ पूछा गया है कि इसमें आप कितनी देंगे, सिक्स सेल, है ना? क्योंकि एक्चुअली इसके लिए ये भी कहा जाता है कि नो डाउट जो एन प्लस एन होता है, लेकिन एट ए टाइम जब फर्टिलाइजेशन होना होता है तभी टू एन में भी गड़बड़ होता है, सेल बाइन्यूक्लियेट होने की वजह से दो न्यूक्लियस रखेगी ना, इसलिए ये वाली जो सेल है ये हैप्लोइड नहीं है, टोटल सेल तो सेवन है बट थ्री हैप्लोइड, थ्री हैप्लोइड और ये टू एन, टू एन बात, तो इसलिए क्या हो गया सिक्स सेल हैप्लोइड है और वन सेल डिप्लोइड, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आंसर आपका बन जाता है सिक्स सेल। इसी पर हमारा एक क्वेश्चन और आ जाता है, ये अगला पूछे कि यदि आपको फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक में हाउ मेनी सेल्स आर मतलब हैप्लोइड डिप्लोइड एंड ट्रिप्लोइड प्रेजेंट, तो आपका आंसर क्या आएगा उस कंडीशन में? हां, तो उस कंडीशन में आपका जब वो फर्टिलाइज्ड सेल होगी जी, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक की बात कर रहे हैं, हां तो ये सिनेप्टिक तो सर गायब हो चुके होंगे जी, बिल्कुल ये आपके पास जो है ना और वहां नहीं है सर, क्लियर होगी है ना जी, तो सिनर्जिक तो ये यहाँ से डिसअपीयर हो चुकी होगी जी, मींस यहाँ पर आपका एक तो जो फर्टिलाइज कंडीशन है वो एग बच गया, ये तो आप जनरल बन चुका होगा, टू एन हो गया, टू एन हो चुका होगा जी, और ये आपका पी एन में कन्वर्ट हो गया, पीएल हो गया है ना, ये थ्री एन हो गया, हाँ ये थ्री एन हो जाएगा, बस हैप्लोइड एग भी नहीं, हैप्लोइड एग तो आपके पास हैप्लोइड का तो जीरो, डिप्लोइड का वन और ट्रिप्लोइड का भी वन, आंसर आ जाता है, तो ऐसे आंसर। ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, अपने आप में एक कांसेप्ट कांसेप्ट है, तो हमें इन चीजों को याद रखना चाहिए, है ना सर? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तो मेगास्पोरेंजियम रिप्रेजेंट गुरु बीजाणु धानी निरूपित करती है मेगास्पोरेंजियम, जैसे मेगास्पोरेंजियम का कांसेप्ट ज्यादातर तो हम लोग लोअर प्लांट्स में सब ज्यादा देते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम मेगास्पोरेंजियम जी जी, लेकिन यहाँ जब हायर प्लांट में चले जाते हैं तो ये फिर ओव्यूल में कन्वर्ट हो जी, बिल्कुल, मतलब जिम्नोस्पर्म से ये कहानी ओव्यूल के अंदर चली जाती है, बिल्कुल है ना, सही है, क्योंकि ओव्यूल में ही बाद में फिर मेगास्पोर मदर सेल होते हैं, मियोसिस के बाद में
फंक्शनल मेगास्पोर उसी के अंदर जनरेट होते हैं। तो ये एक बार मुझे याद है सर 2013 या 14 में, ये क्वेश्चन सीधा सीधा आज पर। अच्छा, एनसीईआरटी में जहाँ ओव्यूल, पिस्टियल ओव्यूल और मेगास्पोरिंजियम, तो वहां ब्रैकेट में ओव्यूल भी लिखा हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ जी। तो अपना ये ओव्यूल इसका राइट आंसर बन जाता है ना। आप एक कार्पल को इक्विवेलेंट टू मेगा स्पोरोफिल मान सकते हो और आप एक ओव्यूल को मेगा स्पोरिंजियम कह सकते हो। मान सकते हैं बिल्कुल, है ना। और एक स्टैमेन माइक्रोस्पोरिंजियम स्पोरोफिल और एंथरलोब है वो माइक्रोस्पोरिंजियम। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट है ये, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द स्पोरोपोलन। जी, स्पोरोपोलन के लिए क्या सही नहीं है। पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड ड्यू टू इट, मतलब स्पोरोपोलन की वजह से ही ये लंबे समय तक फॉसिलाइज्ड फॉर्म में चले जाते हैं। एक बात हमेशा के लिए बच्चों याद रखना कि स्पोरोपोलन के लिए बात कही जाती है कि स्पोरोपोलन इज हाईली रेजिस्टेंस नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ नेचर। बिल्कुल सही है, नेचर का सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। जी। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा तो बायोटिक कंपोनेंट है। ऐसे ही आपके लिए वहां एंडोस्पोर के लिए कहा जाता है सर। जी जी जी। कि वहां पर ऐसे सेंटेंस सेम है, बिल्कुल, वहां नॉन लिविंग की जगह लिविंग कर देते हैं। बिल्कुल। एंडोस्पोर इज हाईली लिविंग स्ट्रक्चर, रेजिस्टेंस लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ नेचर। जी। तो वही चीज है कि यहाँ पर स्पोरोपोलन सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है, इसलिए पोलन ग्रेन फॉसिलाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंस रहता है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलन इज सो फार, नो नो, ये बात सही है। बिल्कुल, अभी तक कोई ऐसा एंजाइम डिस्कवर नहीं हुआ है जो इसको डिग्रेड कर सके। तो इसका मतलब है सर ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ये तो हमारे सही जा रहे हैं। जी। अब एग्जाम ऑफ पोलन ग्रेन इज कम्पोज इसी की वजह से ये रॉन्ग हो गया। मोस्टली क्या होता है, ये फैटी सब्सटेंस है प्रोटेक्शन टू पोलन ग्रेन फ्रॉम हाई टेम्परेचर। मतलब बात यही है कि ये बाकी सारी बातें सही है, सही यदि यहाँ पर हम लोग फैट वर्ड यूज कर लेते तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होता है, बट प्रोटीनेशियस की वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा क्वेश्चन है, स्पोरोपोलन पर अक्सर क्वेश्चन आते हैं, इस चीज को याद रखें। तो हमारा सर राइट आंसर यही बन जाता है क्योंकि इसने रॉन्ग पूछा, क्योंकि ये रॉन्ग पूछा है तो ये राइट आंसर बन जाता है। बिल्कुल सही। अब है पेपर एंड चाइना रोज सूप, अफीम गुड़हल में क्या होता है। सिनकार्पस पिशन, एपोकार्पस पिशन, मोनो कार्पेलरी कंडीशंस, नन ऑफ दीज। तो सर इसमें सिनकार्पस कंडीशन। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, सिनकार्पस, ऑल कार्पल्स आर फ्यूज्ड। आप लोग जानते हैं मालवेसी फैमिली है वो पेंटा कार्पेलरी होती है, 5 कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं। आपने लेडी फिंगर देखी है भिंडी पर, आप उसको कट करते हो तो उसमें आपको 5 चैम्बर नजर आएंगे, ईच चैम्बर रिप्रेजेंट 1 कार्पल, लेकिन सारे फ्यूज होकर एक सिंगल ओवरी में डेवलप हो गए, तो इसके लिए हम लोग सिनकार्पस पिस्टल वर्ड यूज। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मतलब हम यहाँ ये भी कह सकते हैं, थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि हम फ्लावर की गाइनोशियम एक बार चलो नहीं देख सकते डायरेक्टली क्योंकि उसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम इन्हें याद रखने के लिए इनके फ्रूट्स को देख सकते। बिल्कुल, चौहान सर ने बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पर कि आप एक फ्रूट को ऑब्जर्व करके उसकी ओवरी में कितने चैम्बर है या उसमें कितने कार्पल इन्वॉल्व हो रहे हैं पता कर सकते हैं। तो हम घर में हर रोज लग गए। बिल्कुल बिल्कुल सर, और मेरे ख्याल से आप कैसे कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसमें भिंडी को कम से कम नहीं देखा। तो फर्स्ट आंसर, तो एक भिंडी का इनको डायग्राम बना के दिखा देते हैं कि आखिर किस तरीके से ये हम चैम्बर इनमें कंसिडर कर सकते हैं, है ना सर। जी। तो ये मॉर्फोलॉजी में भी इनके काम आ जाएंगे। जी। जैसे ये भिंडी का डायग्राम है ना। जी। ये अब अगर अपन इसको कट करते हैं, यहाँ ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं, जी, जी।
तो मेरे हिसाब से इस तरीके से इसमें चैम्बर फाइव चैम्बर जनरेट हो जाएंगे और ये मॉर्फोलॉजी पेंटाकार्पोलॉजी भी हो जाएगी जी भी और एक्साइल प्लासेंटेशन भी हो जाएगा। ये बच्चों आप लोग बहुत काम की चीज है। ये बिड्डी इसलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि चाइना रोज जो है ना ये मालवेसी फैमिली का मेंबर है और चाइना रोज में भिंडी भी आती है। तो यहाँ पर ये ओव्यूल आपको एग्जाइल प्लासेंटेशन देखने को मिलेगा है ना। तो ये यहाँ पर आपके लिए ओव्यूल की पोजीशन होगी मल्टी ओव्यूल्स प्रेजेंस इन ईच लॉक्यूल। तो आप यहाँ पर देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सिर्फ यही नहीं है कि हम मॉर्फोलॉजी में ही चीजें जाके समझेंगे, हम एम्ब्रियोलॉजी के रेस्पेक्ट में भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सिनकार्पस का मतलब हो गया एक से ज्यादा कार्पल आपस में फ्यूज हो रही हैं लेकिन कंबाइंड वो सिंगल फ्रूट बना रही, तो वो सिनकार्पस हो गई। सिन का मतलब एसोसिएशन, यूनाइटेड फॉर्म है ना सर। अब यहीं पर इनको एक बार एपोकार्पस की भी कहानी समझा दे तो शायद ये बात और अच्छे से हो जाएगी। एनसीईआरटी में मिचेलिया के नाम से इन्होंने एपोकार्पस को दिखाया जी जी। अच्छा, अब एपोकार्पस अगर देखना है तो मैं कहूंगा कि कैलाट्रोपस यानी कि आंकड़ा जो होता है ना इसे हर स्टूडेंट बड़े आराम से देख सकता है। उसमें एपोकार्पस ओवरी प्रेजेंस होती है। एपोकार्पस ओवरी का मतलब है कि जब एक ही थैलेमस पर एक से ज्यादा कार्पल फ्रीली अरेंज्ड हो, ये एक स्टूडेंट एपोकार्पस ओवरी को डायरेक्टली देख सकता है जी। ये दोनों अलग अलग होते हैं इसलिए आप कभी कैलाट्रोपस को देखना ऐसे कंबाइंड फ्रूट आता है, ऐसे जुड़ा हुआ फ्रूट आता है। इसका मतलब है कि वो कार्पल एक दूसरे से अलग है, एपोकार्पस कंडीशन है और इसीलिए उसके दो अलग अलग फ्रूट्स हमें देखने को। आप इसके फ्लावर को भी देख सकते हैं। फ्लावर को देखेंगे तो ऊपर एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर दिखाई देगी, आप उसको ओपन करिए उसके अंदर आपको दो इस तरीके से जो कार्पल नजर आ जाएगा, वो एपोकार्पस कंडीशन है। मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया है आपके समझने के लिए, है ना सर। तो इसका आंसर अपन ने क्या दिया सर? फर्स्ट फर्स्ट है ना जी। अच्छा, ये इन द टॉलेस्ट फ्लावर of Amorphophallus and in Yucca floral reward is किस फॉर्म में है? तो सर यहाँ ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है मेरे ख्याल से और इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चीटर ये कई जगह काम आएगा कि प्लांट के सिर्फ खाना खिलाने का ही कॉन्सेप्ट नहीं रखा, रिवार्ड को नेक्टर और पोलन ग्रेन के फॉर्म में ही देना पसंद नहीं किया क्योंकि उसकी वजह से होता था कि वो जो चीटर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं नेक्टर को खाके विदाउट पॉलिनेशन निकल जाते जी। तो मुझे बच्चों ने जब पूछा था तो एक बार बड़ा अच्छा कंसेप्ट सामने आया था। उनका ये कहना था कि सर ये चीटिंग कैसे करते हैं, थोड़ा सा ये बात हो जाए। तो इसी पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। एक्चुअली होता ये है कि ये थैलेमस रीजन है, अब यहाँ पर इसमें ये गायनोशियम रीजन, भाई प्लांट भी कोई बेवकूफ तो है नहीं तो उन्होंने भी जानबूझकर जो नेक्टर्स हैं उनकी पोजीशन अंदर दे रखी है सर इस थैलेमस के आसपास है ना। और इस तरीके से इसमें ये पेटल्स की लोकेशन इन्होंने दे दी, ये कैलिक्स की लोकेशन यहाँ पर प्रोवाइड की है और यहाँ पर इसमें इनके स्टेमेंस मौजूद हैं यानी कि फ्लोरल पार्ट दूसरे प्रेजेंस है लाइक दिस। अब आप सोचो कि नेक्टर की जो पोजीशन इन्होंने दे रखी है वो टुवर्ड्स द इनर सरफेस है नेक्टर, ये नेक्टर की पोजीशन यहां है। अब एक इंसेक्ट को अगर नेक्टर खाना है तो अल्टीमेटली इस हिस्से से उसे पास आउट होना पड़ेगा सर जी, बिल्कुल। और जब इस हिस्से से पास आउट होगा तो कहीं ना कहीं इसके जो पोलन ग्रेन्स हैं उस नेक्टर जो इंसेक्ट है उसकी बॉडी से कनेक्ट हो जाए, बिल्कुल। अब जब ये प्रोसेस रिपीटेडली इसी तरीके से अदर फ्लावर्स के साथ में भी कंडक्ट करेगा तो ऐसी कंडीशन में फिर वो पॉलिनेशन को अंजाम दे देगा सर जी, बिल्कुल। लेकिन जो चीटर्स हैं मैंने स्टडी किया है कि चीटर्स इस पॉइंट को यहाँ पर पंच करते हैं जी और यहाँ से सीधे नेक्टर खाके निकल जाते हैं और इस हिस्से से वो आते ही नहीं, मतलब ये आप समझ लो कि जैसे चोर है वो घर के पीछे के दरवाजे से होते हैं और वो जो है जो मटेरियल है जो एनर्जेटिक सब्सटेंस है उसे खाके वो चले जाते हैं। तो इस तरीके से तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब इन्होंने इस प्रोसेस को रोकने के लिए इन्होंने प्रोसेस ही चेंज कर दी।
किसी इंसेक्ट को इन्होंने सेफगार्ड दिया कि भाई एग आप सुरक्षित तरीके से जनरेट कर लो, बिल्कुल, किसी को जो से वो हनी भी वाले में वो स्यूडो पॉपुलेशन का कंसेप्ट दे दिया, तो वही उसी से रिलेटेड है। तो अमरो पालस किस तरीके से पारितोष प्रोवाइड करता है, तो नेक्टर के फॉर्म में तो नहीं करता, पोलन ग्रेन्स के फॉर्म में भी, यानी कि ये दो दो कंसेप्ट पढ़ाई दिए, प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर लेइंग देयर एग्स, तो ये सर वहां पर बिल्कुल आंसर सही हो जाता है, चला जाए। हां ठीक है, यस सर। तो द कोकोनट वाटर ऑफ टेंडर कोकोनट इज, मतलब कच्चे नारियल में, नारियल में मामला ये है सर कि मैंने स्टडी किया है कि तीनों तरीके के एंडोस्पर्म पाए, बिल्कुल हां बिल्कुल, इनिशियली न्यूशिप्लर हेलोबियल एंडर, बिल्कुल। तो जो लेकिन वाटर टेंडर की बात कर रहा है तो फ्री न्यूक्लियर, फ्री न्यूक्लियर है ना, तो आप इसे याद रखना कि कोकोनट के अंदर तीनों तरीके के इनिशियली होगा आपके पास फ्री न्यूक्लियर, देन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाता है और वो वॉल पे डिपॉजिट हो जाता है, जिसको हम कर्नेल के फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है, तो वो सेलुलर हो जाता है बाद में, बट इनिशियली लिक्विड फॉर्म में फ्री न्यूक्लियर। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है जी, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऐसा भी है कोकोनट पे जो एडिबल पार्ट है वो क्या है, इसमें फ्रूट खाने लायक नहीं है, इसमें एंडोस्पर्म भी खाने लायक है ना। तो ये है कि लार्जेस्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज, मींस ये एम्ब्रियो सैक की बात कर रहा है, एम्ब्रियो सैक में जो लार्जेस्ट सेल अभी अपन ने डायग्राम बनाया था मिडिल वाली, वो जो सेंट्रल सेल होती है ये तो यहाँ पर स्मॉल हो गई, तीनों स्मॉल हो गई, ये भी स्मॉल हो गई, स्मॉल हो गई, तो ये जो बीच में अपन ने यहाँ पर जनरेट की थी ये तरीके से, ये जो सेल है ये सबसे लार्जेस्ट हो जाती है, सेंट्रल सेल इज राइट आंसर है ना। तो ये इस तरीके से आप चीजों को ध्यान रखना, ये अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज्ड विद फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड द प्लेसेंटा, इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग, हाइलम बोलेंगे उसके लिए, वो तो प्लेसेंटा हो जाएगा ना, वो हाइलम, अगर ये चलेंगे तो प्लासेंटेशन की बात होगी, वो अलग चीज है। पोलर न्यूक्लाई आर सिचुएटेड इन द सेपरेट डिफरेंट सेल, नहीं सेम सेल में होते, हाँ सेंट्रल सेल में, सिंगल सेंट्रल सेल, क्रिस्टोगेमस फ्लावर ऑलवेज ऑटोगेमिक, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये सीड से रिलेटेड है, एंडोस्पर्मिक सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, तो हाउ मेनी सीड्स इन द लिस्ट गिवन बिलो आर एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक सीड को एल्बुमिनस सीड भी कहते हैं, बिल्कुल एल्बुमिनस सीड भी बोलते हैं, और एंडोस्पर्मिक जो सीड हैं उनका एक बेसिक ये भी स्टडी है कि सर इनको अगर तोड़े इक्वल टू आप में नहीं बढ़ते, हां है ना, ये मेजॉरिटी में, हां एक बेसिक जो जनरल जो बच्चा है जो के बारे में नहीं जानता तो उसके लिए ये बात ठीक है, अगर बीज को तोड़ा जाए समान दो भावों में बट जाए, जैसे मूंगफली है, चना है, मटर है, दालें हैं, तो ये नॉन एंडोस्पर्मिक हो जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ अपन को ध्यान रखना है कि अपने जो मॉर्फोलॉजी में चार फैमिली है उसमें से दो में एंडोस्पर्मिक है और दो में नॉन एंडोस्पर्मिक, बीज नॉन एंडोस्पर्मिक है एक तो फाबेसी में और दूसरा ब्रेसिकेसी में, सरसों की फैमिली है ना, और एंडोस्पर्मिक की बात करें तो सोलेनेसी और लिलेसी जी, तो उससे कंसेप्ट कनेक्टेड है जी, और एक अपना बीज है मोनोकॉट, उसमें मोनोकॉट मोस्टली ऐसे ही होते हैं, ऑर्किड को छोड़ दिया जाए तो। तो एंडोस्पर्मिक कितने हैं, एक तो कैस्टर एनसीईआरटी ने दे रखा है सर, बीन हो नहीं सकता, चिली सोलेनेसी का मेंबर हो गया है ना, तो ये चीज, और मेज हो गया, अच्छा मेज यहाँ हो गया, कोकोनट में भी एंडोस्पर्म एडिबल होता है, ये भी होगा, मोनोकॉट है, कोकोनट भी हो गया और वीट हो गया इधर मेरे पास, हां तो वीट वहां हो गया है ना सर जी, तो अपना कितना हो गया 1 2 3 4 एंड 5 सर, 5 हो गए फर्स्ट आंसर, ठीक है, तो इसका आंसर अपना फर्स्ट चला जाएगा है ना जी, कैस्टर हो गया, और सॉरी सर ये ग्राउंड नहीं,
हाँ ग्राउंड नट को ग्राउंड नट नहीं 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 आंसर ये इसका आंसर अपना रुको चलो एक सेकंड ये सर हाँ तो ये कैस्टर एंडोस्पर्मिक होगा हाँ मेज एंडोस्पर्मिक होगा बिल्कुल है ना चिल्ली चिल्ली एंडोस्पर्मिक होगा एंड बीज बीज ग्राउंड नट मुफली नॉन एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक तो ये चार यानी कि अपना सेकंड सेकंड आंसर बन जाएगा है ना सर select a plant species which produce flower only once in their lifetime. Generally of their 50 to 100 years, produce large number of fruits and मतलब ये सर मोनोकार्पिक मतलब ना प्लांट की बात कर रहे हैं जैसे प्लांट पेरिनियल भी है बट मोनोकार्पिक है अपने लाइफ स्पैन में वन टाइम फ्लावर जो है ना प्रोड्यूस करता है सीड प्रोड्यूस करता है और देन उसकी डेथ हो जाती है तो जनरली ये कंडीशन हम लोग बैम्बू में देख सकते हैं ये भी कई बार पॉलीकार्पिक का मतलब होता है कि वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल के दौरान लगभग हर साल फ्रूटिंग करते हैं लेकिन बांस के लिए कहा जाता है कि अपनी लाइफ साइकिल में वन टाइम ओनली वन टाइम जैसे ही फ्लावरिंग होती है उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है ड्राई हो जाता है सूख जाता है सूख जाता है बिल्कुल सर तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये सर मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है नॉर्मली एंजियोस्पर्म फ्रॉम प्लांट रिप्रेजेंट द साइफोनोगेमी साइफोनोगेमी का मतलब है कि जब जो मेल गैमेट है थ्रू द पोलन ट्यूब मूव होते हैं तो वो साइफोनोगेमी होती है एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन व्हाइल द एल्गी रिप्रोड्यूस रिप्रेजेंट फॉलोइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एल्गी में दोनों हमें देखने को एक्सटर्नल भी मिलता है और इंटरनल भी मिलता है जैसे तो सर जैसे बात है इन्होंने साइफोनोगेमी टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन टू टाइप होता है एक मेल गैमेट जो है वो मतलब फ्री स्विमिंग कर और फीमेल गैमेट तक पहुंचते हैं उस कंडीशन के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ज़ूडायगेमी ज़ूडायगेमी कैरेक्टरिस्टिक है लोअर प्लांट्स का और हम लोग डाइवर्सिटी में स्टडी करते हैं कि प्लांट्स जो है वो वाटर से फ्री क्यों नहीं हुए लोअर प्लांट्स बिकॉज दे रिक्वायर मतलब वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन उनमें ज़ूडायगेमी शो होती है जैसे ही प्लांट वाटर से फ्री हुआ टेरिस्ट्रियल हैबिटेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हुआ तो उसने क्या किया साइफोनोगेमी डेवलप कर लिया तो व्हेन पोलन ट्यूब कैरी मेल गैमेट देन इट कॉल्ड साइफोनोगेमी साइफोनोगेमी अब आता हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जैसा चौंसर ने बताया कि एल्गी में दोनों टाइप का हम लोग फर्टिलाइजेशन देख सकते हैं आई मीन एक्सटर्नल और इंटरनल बट उसमें क्या होगा जो गैमेट्स हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं मोटाइल होते हैं एक्वस मीडियम में आई मीन वाटर के अंदर क्या करते हैं फ्री स्विमिंग करने की कैपेबिलिटी रखते हैं चौंसर तो उसमें ये है जैसे यूनोथ्रिक्स है ना यूनोथ्रिक्स एल्गी में हम हालांकि डाइवर्सिटी का ये सेगमेंट है लेकिन हमें चूंकि रिस्पेक्ट ये से रिप्रोडक्शन के रेस्पेक्ट में ये बात करनी है तो यहाँ कहा जाता है कि इसमें कोई भी एक सेल अपने गैमेटेंजियम की तरह वर्क करती है सर सबसे पहले तो ये गैमेटोफाइट प्लांट है यूरोथ्रिक्स है ना तो इसमें यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन से बहुत सारे ऐसे गैमेट्स जनरेट हो जाते हैं और अल्टीमेटली ये बाहर जब आते हैं तो ये आइसोगैमी शो करते हैं सर और आइसोगैमी मतलब ये दो एक मेल फीमेल गैमेट और मेल की तरह ये बिहेव करेंगे ये दोनों आपस में वाटर के अंदर फर्टिलाइज होंगे और यहाँ पर अल्टीमेटली ऐसे जायगोट का फॉर्मेशन कर देंगे ये टू एंड कंडीशन बन जाएगी आफ्टर फर्टिलाइजेशन और फिर इसमें मियोसिस होगी और अल्टीमेटली ये फोर फिर से जू स्पोर बनेंगे ये सुटेबल कंडीशन में जाके डिवाइड होकर फिर से यूनिथ्रिक्स का फॉर्मेशन कर देंगे तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये वाटर मीडियम के अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो रही है मेल और फीमेल तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गया और इंटरनल हमें जहाँ पर ओगेमस रिप्रोडक्शन होता है जैसे बॉल वॉक्स है पाइकस है इनमें हमें इंटरनल सेक्सुअल अच्छा एक और बहुत पूछा जाता है वो स्पाइरोगायरा वाला जी स्पाइरोगायरा भी कंजुगेशन के थ्रू होता है हां वो इंटरनल भी इंटरनली होता है उसमें होता है इंटरनली है और कंजुगेट्स ऑर्डर उसका इसी बेस पे होता है कंजुगेशन ट्यूब पर हां कंजुगेशन ट्यूब मतलब एक बहुत अच्छी बात आपको सर ने बताई है कि स्पाइरोगायरा में इंटरनल है और यूलोथ्रिक्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो दोनों तरीके का हमें देखने को मिलेगा तो इसका मतलब हम फर्स्ट आंसर को सही साइफोनोगेमी पोलन
ट्यूब से होती है और एल्गी में पोलन ट्यूब से नहीं बनती, इसलिए ये सेकंड रोग हो गए। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकेला नहीं होता, एक्सटर्नल इसमें क्या होता है डोमिनेंट होता है, इंटरनल तो कुछ भी मिलता है, सो ये भी रोग हो गए। और एम्ब्रियो डेवलपमेंट तो बिल्कुल नहीं होता, एल्गी जो है नॉन एम्ब्रियोफाइट है, इसलिए फर्स्ट आंसर कह सकते हैं कि थैलोफाइटा के सदस्य। हाँ, थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा का यूनिक करैक्टर है जायगोटिक म्यूसिस। जायगोटिक म्यूसिस मतलब ये जायगोट सीधे म्यूसिस कर जाएगा, तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं, कभी भी नहीं होगा। तो ये हो गया इसका फर्स्ट आंसर। जी अब ये कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, निम्नलिखित संरचनाओं पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर हाउ मेनी अबव स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ध्यान दो स्ट्रक्चर तो है ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करेंगे। तभी मैंने स्टार्टिंग में आपको एक सेक्सुअल एसेक्सुअल की बात स्टार्टिंग में थोड़ा एक्सप्लेन की। तो यहाँ पर सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों के स्ट्रक्चर्स दिए, क्वेश्चन ये कहता है कि प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो ये ट्यूबर वेजिटेटिव में, ये वेजिटेटिव में तो हम इसको भी नहीं मानेंगे। तो मेरे हिसाब से अपना थर्ड आंसर सही बन जाता है ना। बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पे इस पूछो। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, एनसीईआरटी में है और एम्ब्रियोलॉजी वाले पार्ट में ही है। तो यहाँ पर है ये दो स्टेटमेंट दिए गए, वहां पर लिखा है सिलेक्ट राइट ऑप्शन फॉर ए एंड बी सेंटेंस, ए और बी जो सेंटेंस है उसके लिए सही सिलेक्ट करना है। मेज कंटेन यूनिसेक्सुअल फ्लावर बट मे परफॉर्म सेल्फ पॉलिनेशन, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जेटनोगेमी कर सकता है, जेटनोगेमी हो सकती है, क्योंकि मेज में अपर साइड में जो मेल फ्लावर होते हैं और लीफ की एक्सिस में फीमेल फ्लावर, नोट रीजन पर आते, तो सो इट इज करेक्ट, सही है। पपाया कंटेन यूनिसेक्सुअल फ्लावर बट मे नॉट परफॉर्म सेल्फ पॉलिनेशन, यस क्योंकि ये दोनों में प्लांट ही अलग अलग होता है, प्लांट ये तो क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, बिल्कुल 100% ये भी होगा। तो स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, सेकंड आंसर सॉरी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, थर्ड आंसर ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है, ओके सर। अब है मैच का कॉलम, देखो आजकल कॉलम वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ये थोड़े आसान भी होते हैं, अगर एक या दो ऑप्शन हमको सही पता है तो बड़े आराम से हम कर लेते हैं। मैच का कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड है ना, कॉलम फर्स्ट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सर अपने इसमें एक डायग्राम भी दे रखा है इसके आगे वाले पेज पर, हाँ ये, तो एक बार इसको डायग्राम को समझ लो फिर अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये आप देखो ध्यान से, ये एक ऐसा डायग्राम है जिस पर संभावित क्वेश्चन है, जैसे तीन तो मेरी नजर में हमेशा ही रहते हैं, जैसे ये स्कूटेलम है जिसे मोनोकॉट एम्ब्रियो के सिंगल कॉटिलेडन मारते हैं, सर इसने रिजनल फॉर्म की बात करी है, इन्होंने कहा है कि लेटरल साइड में सील्ड फॉर्म में प्रेजेंस है। जी जी जी। अब यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट जो ये है एपिब्लास्ट, तो एपिब्लास्ट को कहीं ना कहीं वेस्टिजियल कॉटिलेडन कंसीडर किया गया है, मोनोकॉट जो है वेल एडवांस्ड प्लांट या मोर एडवांस्ड प्लांट है, तो सेकंड कॉटिलेडन जो है वो रिड्यूस हो गया, वेस्टिजियल हो गया, वेस्टिजियल है, तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वेस्टिजियल फॉर्म माना जाता है क्योंकि डाइकॉट से ही मोनोकॉट का ओरिजिन हुआ। ये एपिब्लास्ट अगर एक कॉटिलेडन के फॉर्म में होता तो यहाँ दो कॉटिलेडन हो जाती है, फिर ये डाइकॉट हो जाता है ना, तो ये कहीं ना कहीं सर ये भी शो करता है कि डाइकॉट से ही मोनोकॉट का ओरिजिन, तो ये एक अच्छा क्लू है एक तरीके से। और ये कोलियोराइजा अच्छा खासा क्वेश्चन आपसे बनता है, ये कोलियोपटाइल का अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। हाँ तो अब आते हैं एपिब्लास्ट अधिकोरक क्या है, रिड्यूस कॉटिलेडन सर, अब ये भी अपन पीछे देख कर आए हैं ना, तो आप इसको इसके साथ मैच कर सकते हैं। वन कॉटिलेडन ऑफ एम्ब्रियो, उसके लिए आपने अभी बताया जैसा कि स्कूटेलम माइक्रोराइजा, ये रेडिकल रीजन रेडिकल हो गया, ये वाला किसी पे नहीं होगा क्योंकि ये पॉलियोराइजा की बात कर रहा है, हाँ हाँ, इसलिए ये थर्ड किसी से नहीं जुड़ेगा, माइक्रोराइजा फंगल एसोसिएशन हो गया। हाँ, तो इसमें ए में अपना आ गया सेकंड, नहीं हाँ सेकंड, ए में सेकंड, हाँ और बी में फर्स्ट,
एंड सी में फोर्थ, तो सेकंड आंसर अपना सेकंड आंसर सही पर चला गया। ठीक है सर, बढ़िया क्वेश्चन था। हाँ तो चल सर, सर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। Select the wrong statement for the cleistogamy of flower in plant. Cleistogamy अच्छा क्वेश्चन है, cleistogamy पर अक्सर क्वेश्चन आते हैं। Cleistogamous वो फ्लावर है जो कभी भी ओपन होते ही नहीं है और इन्हें पॉलिनेटर की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है और वो अपने स्टेमेन से सीधे ही 100% पॉलिनेट होते हैं। 100% Cleistogamous फ्लावर लैक रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिनेटर्स, करेक्ट है, बिल्कुल सही है, है ना। It is the adaptation of autogamy. Yes sir, बिल्कुल बिल्कुल भी सही है। तो wrong पूछा जा रहा है। It perform in oxalis biola. हाँ बिल्कुल ठीक है। ये दोनों example हैं इसके। Comelina, oxalis and biola. Three examples हैं जो आपको याद रखने हैं। Their flower are color containing aroma. जरूरत ही नहीं है सर। हाँ क्योंकि इन्हें insect को attract करना नहीं है। करना नहीं है तो self pollination कोई भी step की जरूरत है नहीं। So it is wrong. तो ये wrong हमारा right answer भी यही बन गलत पूछा है ना। तो ये right answer है। ठीक सर। ये इस type के अगर question कभी भी आए तो आप सीधा एक डायग्राम बनाओ और उससे आप चीजों को करेक्ट करो। इन मेल प्लांट कंटेन टू एन इज इक्वल टू 30 क्रोमोसोम इन लीव्स, फीमेल प्लांट है टू एन इज इक्वल टू 67, तो क्रोमोसोम कंटेन नंबर ऑफ एलियोल लेयर एंड एम्ब्रियो रीजन, है ना। तो इसका अपन देख लेते हैं कि जैसे एम्ब्रियो सेक की बात हमें करनी पड़ेगी, फीमेल पार्ट है तो फीमेल इसमें क्या दिया दे रखा है सर 2n = 60, तो इसका एग जो है कितना हो गया 30 क्रोमोसोम का, और ये जो पोलर न्यूक्लियाई है 30 उनमें भी 30 एक बार कंसीडर कर लेते हैं। हाँ, है ना। हाँ, ये अब इसने मेल प्लांट की बात करी सर। हाँ, तो मेल प्लांट का मतलब है कि इसमें 2n = 15। हाँ 15 हो गए, तो 15 इसमें और 15 फिर इसमें भी। अब ये बात कर रहा है कि एम्ब्रियो रीजन में, एम्ब्रियो तो ये इससे फ्यूज हो जाएगा सर। हाँ, है ना। और एलियोल लेयर का मामला ये तो वो भी 3n होती है। हाँ, वो एंडोस्पर्म का पार्ट है तो ये वो यहाँ आ जाएगा सर। हाँ, तो एलियोल लेयर जो होगी उसमें तो कितना हो जाएगा 75। एलियोल लेयर में तो 75 हो रहे हैं, अपना 75 एक तो यहाँ जा रहा है और एक वहां जा रहा है सर जी, और दूसरा अपना यहाँ 45। तो अपना ये सेकंड आंसर सही है ना सर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप सीधा ऐसे डायग्राम बनाओ और उससे आप सॉल्व करो। आप इसको डायरेक्ट थोड़ा जल्दी करना चाहे तो एंडोस्पर्म के लिए आपको क्या करना होगा, फीमेल को है वैसा को वैसा रखो एज इट, तो 60 का 60 रह गया और मेल को हाफ करके इसके साथ ऐड कर दो, तो हाफ कितना होता है 15 इसका, तो इसको आपने इसके साथ अटैच कर दिया तो क्या हो जाएगा 45। एक चीज और है कि ये जो मोनोपॉट होते हैं वीट है मेज है इसमें लेटरल साइड में यहाँ एम्ब्रियो की पोजीशन, अपन ने अभी ग्रीन कलर का एम्ब्रियो देखा था उसकी पोजीशन यहाँ है, और इन दोनों एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म जो स्टार्ची एंडोस्पर्म है इन दोनों को सेपरेट करता है, इनसाइड ये लाइन लिखती है प्रोटेक्शन प्लस सेपरेशन, तो वो ये एलियोल लेयर के जरिए होता है। अब यहाँ पर एलियोल लेयर में सर प्रोटीन का स्टोरेज भी होता है, इसलिए हम एलियोप्लास्ट भी वर्ड यूज करते हैं प्रोटीनोप्लास्ट, है ना सर जी। तो हाउ मेनी स्पेसिफिक एडेप्टेशन फॉर द पॉलिनेशन आर इंक्लूडिंग as co-evolution to prevent harm from cheaters, ये वही चीज आ गई सर। एक बार अभी अपन एक बार पीछे अपन ने किया था तो मेल हनी ये तो से बच, ये तो बचने के लिए ही तो किया था इसने, नहीं इसने कहा कि जो है ना मतलब इसके चीटिंग पे को बचाना है। हाँ, तो ये एक पार्ट हो गया। अच्छा, इसने मौत यकाने के लिए सेफ सेफ सिस्टम दिया कि भाई अंडे दे दो और पॉलिनेशन कर लो जी, बिल्कुल है, तो आपको हम खाना पीना नहीं दे पाएंगे क्योंकि चीटर से बचने का ये सिस्टम था। अच्छा, ये भी ब्लास्टोफेगा एक स्पेस में छोटा सा पोर रखा गया सिर्फ अपने स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को ही एंटर कराने के लिए, है ना। ये इसमें कंसिडर नहीं होगा क्योंकि इंसेक्ट
और क्रॉप यहाँ तो कोई भी इंसेक्ट आ सकता है। नहीं, क्रॉप में एनिमोफिली जो आंसर जो है कॉमन रहेगी ना, इसलिए वहां पे चीटिंग का कोई मीनिंग नहीं है। हाँ, तो बट एक थोड़ा एडप्टेशन वाली बात है। चौंसर मैं कुछ कहना चाहूंगा कि हनी, मेल हनी बी और ऑर्किड, ऑर्किड्स शो शूडो पॉपुलेशन, सो इट इज द एग्जांपल ऑफ चीटिंग, इट इज द एग्जांपल ऑफ चीटिंग, चीटिंग है। लेकिन ये क्वेश्चन चीटर से बचने के लिए उसकी बात है, तो इसमें ये हम लोग इसको रोंग मानेंगे, ये रोका नहीं जा सकता ना इससे। नहीं, इसमें ऐसे था वो जो 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 नेक्टर खाने आते हैं, ग्रेन खाने आते हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। अपना क्वेश्चन जो है एक बार देखिएगा, ये कोएवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। हाँ सर, इसको अपन ने कोएवोल्यूशन के फॉर्म में, हाँ, तो प्रिवेंट हार्म फ्रॉम चिकन। हाँ, तो कोएवोल्यूशन किए ही इसने था। हाँ, ये हाँ, तो सबसे बड़ा कोएवोल्यूशन का एग्जांपल है सर। हाँ बिल्कुल सही, उसने ये बात कही कि अगर अगर ऑफ राइस, मेडिटेटेड ऑफ राइस जो ऑर्किड है, उन्होंने जरा सा भी उस अपने पेटल का कलर चेंज करने की कोशिश की, तो उनका पॉलिनेशन होना बंद हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। खास तौर से उन्होंने ये कोएवोल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन तो आगे फोर्थ नहीं होगा, तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, ये अपना सेकंड सेकंड आंसर। ठीक ठीक, थैंक यू जॉन सर। सर सर सर, ये एक्चुअली, हाँ ये एक डायग्राम है जो यक्का को रिप्रेजेंट कर रहा है। कई बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि यक्का और वो सब क्या है, तो ये आप डायग्राम देख रहे, ये जो एक इंसेक्ट आपको नजर आ रहा है, ये मौत है और ये यक्का है। तो ये मौत जो है इस जगह पर अपने इसकी चैम्बर होते हैं उनके अंदर सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है टू डेवलप देयर एग एंड एम्ब्रियोस। ग्रुप ऑफ प्लांट रिप्रेजेंट सेम टाइप ऑफ पोलिनेशन प्रोसेस। अब लोटस है सर, तो लोटस में इंसेक्ट हो जाएगा। हाँ, वाटर एसेंट में हो जाएगा, जोस्टिलम में वाटर हो जाएगा, हाइड्रोफिली हो जाएगा, हाइड्रला है, वाटर एसेंट है, वैसे इसमें सब में हाइड्रोफिली हो जाएगी सर, लेकिन वाटर एसेंट में नहीं होगा। अच्छा, वाटर एसेंट, ठीक ठीक, मस्टर्ड, लोटस एंड वाटर, जिसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन हम कंसीडर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन इसमें वेलिसेरिया ट्रापा ये फिर गड़बड़ हो गया, इसमें थर्ड आंसर सेम हो गया, एंटेमो, मतलब एंटेमोफिली तीनों में बड़े आराम से अपन स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद में पोलन फिशल इंटरेक्शन रिप्रेजेंट, पोलन फिशल इंटरेक्शन किसके बीच में होता है, क्यों होता है, ये हम आगे तो डिटेल में पढ़ेंगे ही, लेकिन अभी हमने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पर रख रखा है। तो पोलन मिशन इंट्रोडक्शन में ये बात डिसाइड की जाती है कि स्टिग्मा पर कौन से पोलन ग्रेन को जर्मिनेशन की परमिशन दी जाए सर, या उसको रोक दिया जाए, है ना। तो अट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ पोलन ट्यूब ये तो नहीं होगा, केमिकल मीडिएट प्रोसेस फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइट पोलन, इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए ही पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है, नहीं तो वेरियस टाइप ऑफ पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद जर्मिनेट हो जाए। हां सही सही, तो सबको तो जर्मिनेशन की परमिशन नहीं दी। जी बिल्कुल, इंटरेक्शन में फीमेल गैमेट ये नहीं है, नॉन ऑफ दीज है, तो राइट आंसर होगा सेकंड। अब है द टाइप ऑफ फ्लावर व्हिच ऑलवेज प्रोड्यूस सीड्स इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स, तो वही है सर, ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर। जी अभी बताया था जो आंसर ने आपको कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स है, दे नेवर ओपन, सो उनमें ऑलवेज ऑटोगेमी होगी, सेल्फ पॉलिनेशन होगा और 100% वो फ्लावर फ्रूट प्रोड्यूस करेंगे। तो क्लिस्टोगैमस मतलब सर्टेनिटी 100% है, पॉलिनेशन होगा और सीड भी बनेगा, है ना। जी ग्रुप ऑफ प्लांट्स रिप्रेजेंट वाइबिलिटी पीरियड अप टू मंथ्स एंड, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पोलन ग्रेन में महीनों और कुछ इयर्स ऐसी बात करेंगे, मंथ्स कही गई है जी, और मोनोकॉट में 30 मिनट कही है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो वो उसके लिए तीन फैमिली दी है वहां पर, उन्होंने सोलेनेसी, लेगुमिनेसी, रोजेसी, है ना। तो उसकी सेकंड नंबर है, तो अपना वही है लेगुमिनेसी पी, पिटूनिया सोलेनेसी, रोजेस, तो अपना ये सब ग्रासेस में नहीं है, मोनोकॉट है, क्योंकि ये 30 मिनट का मामला हो जाएगा, वीट में 30 मिनट हो जाएगा, मेज में 30 मिनट हो जाएगा, तो सीधा सीधा आंसर है आपको
ये उस फैमिली के मेंबर्स याद रखने होंगे ना सर। अब आता है सिलेक्ट द फंक्शन ऑफ टैपिटम ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम की जो टैपिटम है उसका मेन फंक्शन क्या है सर? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। तो फर्स्ट आ जाना है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। हां प्रोड्यूस पोलन किट भी, ये भी करेंगे, प्रोवाइड नेचर ऑफ कंपैटिबिलिटी, ये भी ठीक है। ऑल ऑफ दी आंसर बिल्कुल बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग टू को वाला है ना, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। सर इसके आगे डायग्राम है, देखो इसके आगे डायग्राम है। हाँ ये तो ये देख लो पहले इसको, फिर वो क्वेश्चन बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। ये पूरी की पूरी वेजिटेटिव सेल है ना, और ये जनरेटिव सेल। ये बात अलग है कि बाद में ये जनरेटिव सेल फ्री फ्लोटिंग कंडीशन में आ जाएगी, सेल वॉल से डिटैच हो जाएगी और इसके साइटोप्लाज्म में फ्लोटिंग होगी। यहाँ पर ये डायग्राम में देखो खास तौर से इसका जो न्यूक्लियस है वेजिटेटिव बड़े साइज का है और इरेगुलर, ये सर्कुलर फॉर्म में नहीं, इरेगुलर फॉर्म में है ना। इसका न्यूक्लियस कंपैरेटिवली छोटा है और स्पिंडल फॉर्म में, स्पिंडल फॉर्म में। तो ये इसी से रिलेटेड सर वो क्वेश्चन, तो ये देख सकते हैं वेजिटेटिव सेल लार्ज न्यूक्लियस वेजिटेटिव सेल में चला जाएगा, मींस ये ए के लिए हो गया। मैक्सिमम आरएनए जी, तो साइटोप्लाज्म भी तो ज्यादा है वेजिटेटिव सेल में, तो ये ए के साइड में चला जाएगा। माइटोटिक डिवीजन ये जनरेटिव के लिए चला जाएगा, तो मेल फॉर्मेशन के हां, तो ये उसके लिए चला जाएगा। प्रोड्यूस ट्यूब न्यूक्लियस ये वेजिटेटिव के हिस्से में जाएगा, वेजिटेटिव के हिस्से में चला जाएगा। ए कंटेन वैक्यूल ये भी वेजिटेटिव के हिस्से में जाएगा, वेजिटेटिव के मॉडिफाइड इन डिफरेंट शेप ये मार्जिन जी, क्योंकि स्पिंडल और वो ऐसे अटैच होती है। मट टेक पार्ट इन फर्टिलाइजेशन इन पी प्लांट ये भी जनरेटिव के हिस्से में जाएगा। हां तो आपके पास आ गया ए के लिए फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ, बी के लिए क्या जाएगा? तो अपना आंसर ये सर फर्स्ट है, फर्स्ट चला जाए, फर्स्ट चला जाए, फर्स्ट सेकंड ना। हां तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आसान होते हैं, कोई बस ये कि सही इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए, और ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन थी। अच्छा व्हाट will be the ploidy of endosperm zygote in the cross between 6 and female and 4 and male, वैसे ही क्वेश्चन है बिल्कुल। उसमें फीमेल को आप एजिट रख लीजिएगा 6 एंड, और मेल कैसा है आपके पास 4 एंड, तो प्लस उसको हाफ करके 2 एंड, तो ये आपके पास ploidy आ गई एंडोस्पर्म की, तो 8 एंड आंसर आ जाएगा इसका। और मेल फीमेल कैसा है 6 एंड, तो इसको हाफ कर लीजिएगा मियोसिस के लिए, और सॉरी 3 एंड लिखेंगे अपन इसको, 3 एंड प्लस और 4 एंड है तो इसका 2 एंड हो जाएगा 5 एंड, तो 5 एंड ये आपके पास आ गया। अपना सेकंड आंसर सही होगा, चलो है ना जी बिल्कुल। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है बिल्कुल। ये जो फर्स्ट बताया था वैसे ही आप लोग इसको भी कर सकते हैं। फिलिपोम अपेंडिक्स गाइड द पोलन ट्यूब बाय जैसे आपने लोअर प्लांट से स्टडी किए उसके अंदर आपके पास ये हाँ ये आपके पास गैमेट था, ये गैमेट केमिकल्स के रेस्पॉन्स में जो है ना मूवमेंट शो कर रहा है, ये टैक्सिस मूवमेंट है और ये ट्रॉपिक हीमोटैक्टिक हीमोट्रॉप्स। हां सर इसमें एक डायग्राम भी है आप थोड़ा सा आगे, इसमें ये देखो ये इसमें आप बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये यहां से ये आए ये टर्न हो, ये जो मूवमेंट है ये एक्चुअली एक हीमोट्रॉपिज्म को शो करता है बिल्कुल, क्योंकि सिनर्जिक ने यहां केमिकल बनाया है उसके एवज में, यानी कि इंडक्शन इफेक्ट प्रोवाइड बाय सिनर्जिक जी एंड देन pollen tube represent curvature movement towards the egg. ये yes sir. So answer क्या आ जाएगा? तो अपना answer sir chemotropism. Answer आएगा. Second answer. अब आता है select correct pair given below. ये कहीं ना कहीं vegetative reproduction से related है sir. तो again bulbin बिल्कुल सही है. Potato, rhizome ये wrong है. ट्यूबर होता है, हां ट्यूबर होता है कि जिंजर आई रॉन्ग है, पोटैटो के लिए सही था, वाटर आइज ऑप्शन सही है, हां ऑप्शन सही है ना।
Which of the following event is not involved in post-fertilization process? जी यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद बाद का जो प्रोसेस हो रहा है उसमें नहीं है जी जी क्योंकि ये देखो एनसीईआरटी ने पूरी एम्ब्रियोलॉजी को तीन मेजर पार्ट में बांटा है जी जी मतलब प्री फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन है ना जी तो उसमें एंडोस्पर्म यस बनेगा मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इंटू सीड बनेगा फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोसीड ये बिफोर है ये अपना आंसर अच्छा पेरिस्पर्म रिमिनेंट न्यूसिलस इन सीड और सीड के लिए वर्ड यूज करेंगे पेरिस्पर्म तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन तो बिल्कुल वो तो ओनली थर्ड बिल्कुल व्हिच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर गिवन स्ट्रक्चर ये कारा है कई बार क्वेश्चन आता है इसमें ए पार्ट जो फीमेल पार्ट है सर ऊपर वाला हाँ इसको और ये बी मेल इसको ग्लोब्यूल कहते हैं इसको न्यूक्लियोल कहते हैं ये अच्छा खासा क्वेश्चन पीएमटी में आ बिल्कुल कई बार आ चुका है सेक्शन ऑफ प्रोडक्शन इज ओगेमस हां ओवा बनेगा इसमें हां बिल्कुल तो ओगेमस हां इसके बाद में ए इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट व्हाइल बी इज मेल बिल्कुल सही है ना हां इसके बाद में कि देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आल्सो कॉल्ड द न्यूक्लियोल एंड ग्लोब्यूल तो न्यूक्लियोल तो हम ए को पार्ट ए पार्ट को कहते हैं इसको न्यूक्लियोल दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोल एंड लोअर पार्ट इज कॉल्ड ग्लोब्यूल अच्छा इट कंटेन नेक कैनाल सेल सर ये एंड ये ब्रायोफाइट का कैरेक्टर है हां ब्रायोफाइट टू मतलब आप ये मान सकते हो टेडो हां टेडो में भी फर्म था हां फर्म में सिंगल एनसीसी फाउंड इन देयर आर टू तो ये फोर्थ आंसर हां सर फोर्थ आंसर है ना अब है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अबाउट स्पोरोपोलन इज फॉल्स स्पोरोपोलन के लिए क्या गलत है ये क्वेश्चन हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं एग्जाम इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलन सही है स्पोरोपोलन इज वन ऑफ द रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल सही है एग्जाम इज अ परसेंट कॉल्ड द जर्म पूल मे अदर स्पोरोपोलेंस की गलत है ये रो प्रेजेंस की वजह से हां प्रेजेंस की एग्जाम पे जहां जहां स्पोरोपोलन इन एब्सेंट होता है उस जगह पे जर्म पूल बनता है बिल्कुल इसलिए ये रो अगला ये स्पोरोपोलन इन कैन withstand high temperature and is strong acid ठीक है no enzyme that degrades spirochete is so poor is known unknown हाँ लेकिन हिंदी और अच्छा मतलब no enzyme हाँ सही विघटित करने वाला कोई भी एंजाइम आज तक ज्ञात नहीं है करेक्ट बिल्कुल सही हाँ है ना तो फॉल्स का पूछा है सर हाँ जी तो ओनली सी हो जाएगा अपना जी बिल्कुल ओनली सी थर्ड आंसर अपना इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड दैट आर रिलीज्ड विद ये मतलब जो पोलन ग्रेन बनते हैं सर तो उनका जो फिनोटाइप है वो तो लगभग सेम होता है जी एक स्पीशीज में हां लेकिन वैसे सिंपल सिंपल है लेकिन बट जीनो का चेंज है बिकॉज़ मियोसिस हो जाता है और मियोसिस होने पर जीनोटाइप जो है चेंज हो जाता है हां सो क्या लिखेंगे जैसे अपन डायहाइब्रिड क्रॉस को सर एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं जैसे कैपिटल आर हां स्मॉल आर हां एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई याद है वो हां हां बिल्कुल बिल्कुल तो उसमें अपना जो गैमेट फॉर्मेशन हो गई फॉर्मेशन होता है फोर टाइप्स हो गए हां कैपिटल आर कैपिटल वाई है ना कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई ये है ना तो ये स्मॉल आर स्मॉल वाई जी तो फोर टाइप्स हो गए ना जिनके उस पर टाइप्स के जीनोटाइप हो लेकिन जगह बाहर से देखेंगे तो सर सेम होंगे जी तो इसलिए अपना सेम जीनोटाइप ये नहीं होगा सेम फिनोटाइप सही है मेनी जीनोटाइप हां इसलिए फोर्थ आंसर अपना बिल्कुल सही चल रहा है बिल्कुल सही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट द जेटोनोगैमी
तो ये ऐसा अपन एक उसके मेज के रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं, क्योंकि मेन जो प्लांट बॉडी होती है उसके अपर रीजन में यहाँ पर मेल फ्लावर्स होते हैं और ये लीफ है, इसकी एक्सिस में यहाँ पे फीमेल फ्लावर होते हैं, गेटेलों की भी हो सकती है बट ऑटो नहीं हो सकती। सर ये कैस्टर में भी होता है? हाँ कैस्टर में भी मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, हाँ, लेकिन एक ही प्लांट पर, एक ही प्लांट पर, और वो मेज के भी होते हैं। तो ये फोर्थ आंसर बड़े आराम से, बिल्कुल बिल्कुल। पपाया में ऐसा नहीं? नहीं। हाँ ये उसी क्वेश्चन का अपना एक और वर्जन था जी। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर राइट अबाउट टू एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म के लिए कितने सही है? तो इसका मतलब है सर अपने तीन सही हो जाते हैं। सेकंड आंसर अपन लगाते हैं। आप इन चीजों को ध्यान से समझिए, जैसे पाइनस का भी एंडोस्पर्म यहाँ पर अपन ने कंसेप्चुअली लिया है ना। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात एक्सप्लेन कर दूं कि अगले जो हमारे चार एपिसोड है इसी रिप्रोडक्शन इन फ्लावर प्लांट पर, तो अब हमने प्री रिप्रोडक्शन का एक सेगमेंट लिया है और फिर फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन का सेगमेंट है जो थर्ड होगा, और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन वाला सेगमेंट है जी, और फिर हम कंबाइंडली एक बार फिर से रिफ्रेश करके आपको नए सेगमेंट में सारी एक्सप्लेनेशन करेंगे जिससे पूरी एम्ब्रियोलॉजी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ओके थैंक यू, पढ़ते रहे। थैंक यू। ओके सर।